पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत समेत विश्व भर के राम भक्तों को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण विधि विधान के साथ हुई। इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए अभूतपूर्व तैयारियां पहले से ही की गई थी। इस मौके पर अयोध्या समेत देश भर में उत्सव का माहौल है। भक्त राम की धुन में खोए हुए हैं, पूरा देश राममय हो गया है। अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम, राम आ गए हैं लिखे हुए पोस्टर और होर्डिंग लगे हैं। वहीं फूलों से जय श्री राम लिखा कर सजावट की गई है। प्रभु श्री राम की भक्ति से मुरादाबाद की नगरी भी राममय हो गई है। पूरे शहर में राम की भक्ति का उल्लास और रामलला के प्रति अटूट प्रेम साफ झलक रहा है। महानगर की गली मोहल्लों को भी राम की नगरी की तरह सजाया गया है। मंदिरों में जगह जगह भंडारे और महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हर तरफ सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कहीं पर सुंदरकांड पाठ हुए तो कहीं महाआरती की गई, तो कहीं पर दीपोत्सव करके श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया गया। इसे शब्दों में व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है। ये जो शताब्दियाँ गुजर गईं, सैकड़ों वर्ष गुजर गए, कितने हम लोग प्रताड़ित हुए, कितनी चीज़ें हम लोगों ने झेली, उसके बाद ये शुभ दिन आया है। और इस दिन को हम किस तरीके से महसूस कर रहे हैं ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये पूरे विश्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए, ये राम मंदिर कोई एक मंदिर नहीं है, किसी भगवान की यहाँ पे कोई केवल स्थापना दिवस नहीं है। ये वो समय है, वो माहौल है कि पूरे विश्व को एक होने जैसी मैसेज देता है। सारे दुनिया में, पूरी दुनिया में भगवान पुरुषोत्तम राम जैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। उनकी जो एक्टिविटी रही उससे हमें सीखने को मिलना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारे घर राम आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, हम सबके घर राम आ रहे हैं, लेकिन सही मायने में राम उन्हीं के घर आ रहे हैं जो अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए अपने कष्टों को झेल जाएं, पुरुषोत्तम बन जाएं, राम को राज को स्थापित कर दें। ऐसे प्रभु श्री राम का आज मंदिर की स्थापना होना हम सबके लिए ऐसा है कि जैसे हमें जीते जीते स्वर्ग मिल गया। कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस जन्म में ऐसा कुछ देख पाएंगे। कितनी पीढ़ियाँ गुजर गईं और ये सौभाग्य हमें मिला है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को, सारे हिंदुस्तान को, सारे विश्व को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। इनके लिए आज का जो दिन है, इसे कहने की नहीं, इसे मनाने की और दिल से इसे एहसास करने की आवश्यकता है। आज हमारे पुरुषोत्तम श्री भगवान राम टेंट से निकलकर जो है अपने भवन में, अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। हमेशा से उन 500 सालों से जो टेंट में रह रहे थे, जो कि बंदी थे, आज उन्हें अपने मंदिर में स्थान ग्रहण किया है। प्राण प्रतिष्ठा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई है। पूरा विश्व इस काम की सराहना कर रहा है एवं सभी लोग हृदय से, पूरे देशवासी, पूरे सनातन धर्म के लोग जो चाहे कहीं भी हो, चाहे कि विदेश में हो, चाहे विदेश में हो, आज के दिन को बहुत ही उल्लासपूर्वक एक दिवाली के रूप में मना रहे हैं। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, इसे आयोजन करने वालों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। तथा मैं रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने के लिए सभी से प्रार्थना करता हूँ कि पुरुषोत्तम राम के बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने देश का भविष्य उज्जवल करें। भगवान श्री राम जो 500 वर्षों से एक वनवास में थे,
उनके पिता ने तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया था, लेकिन यहाँ कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने उन्हें 500 सालों से वनवास में रखा हुआ था। आज ये दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनके अथक प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री आगे योगी जी द्वारा उनके अथक प्रयासों से देखने को मिला है। आज हमारे प्रभु राम हमारे घर वापस लौट करके आए हैं अपने घर में बोलने के लिए। कंठ जो है करुणा से भर जाता है कि वो कैसे कैसे हमने वो दिन गुजारे हैं, कैसे कैसे वो दिन देखे हैं। अयोध्या में ही जहाँ भगवान राम जी का जन्म हुआ था, वहीं पर वो उस वनवास की श्रेणी भुगत रहे थे जो 14 वर्ष से जा करके 500 वर्ष तक बीती है उनकी। आज हम उन्हें अपने कोई शब्द हमारे पास नहीं है जिससे कि हम उन्हें धन्यवाद दे सकें जो रामलला को वापस उनके मंदिर में लेकर आए हैं। आज का ये माहौल 500 वर्षों के अथक प्रयास और हमारी कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद आया है। कई गांव के क्षत्रियों ने 105 गांव करीब उन्होंने आज तक पगड़ी और पैरों में जूते नहीं पहने थे, उनका भी योगदान है बहुत बड़ा। कई हजार क्षत्रिय उस समय वीरगति को प्राप्त हुआ था रक्षा करते हुए। तो ये हमारे लिए बहुत माहौल बड़ा अच्छा है, बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। ये हम लोगों के लिए बड़ा हमारी पीढ़ी के लिए बहुत भव्य मंदिर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम बहुत बहुत भगवान के वो हैं कि हमें जन्म दिया है इस पीढ़ी में, किसमें हमने भगवान का राम मंदिर का निर्माण देख रहे हैं। जय श्री राम। बहुत ही भव्य कार्यक्रम मुरादाबाद में हुआ है आज, और इतनी खुशी जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मुरादाबाद जैसी जगह में आज अयोध्या का राम मंदिर जो बन के आज तैयार हो गया है, और जिसका उद्घाटन हमारे प्राण प्रतिष्ठा इसमें श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने किए हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही भव्य रहा। और यहाँ पर मुरादाबाद में ही बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ में इसको मनाया है, और जैसे दीपावली मनाते हैं ऐसे ही मनाया है। आज ये देखा एक वाकई लोगों में इतना उत्साह रहा, सुबह से ही लोगों ने मंदिरों में कीर्तन, जगह जगह हलवे का बंटवाया, जगह जगह कार्यक्रम किए। आज माहौल ऐसा लगा है कि वाकई कोई बहुत बड़ा उत्सव, और ये बहुत उत्सव की ही बात है। ये कई सौ वर्षों की लोगों की का सपना साकार हुआ है जो लोगों ने देखा था। और ख़ासकर मैं उन कार सेवकों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस दिन के लिए अपना बलिदान दिया और आज उनका वो सपना साकार हुआ। आज समस्त मुरादाबाद वासी, समस्त क्षेत्रवासी और प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। रामलला की स्थापना हो चुकी है और सभी लोग अयोध्या जाएं, रामलला के दर्शन करें और लाभ प्राप्त करें। और हम सब सनातनियों को बहुत बड़ा पर्व है। श्री राम का आचरण हमें उससे मालूम चलता है, जब लंका विजय श्री राम ने करी तो लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि भैया लंका में सारा धन वैभव है और सोने की बनी हुई है, इस पर अपना आधिपत्य कर लें तो कितना अच्छा होगा। परंतु हमारे श्री राम ने उस समय, हमारे एक श्लोक आता है रामायण में, श्री राम जी ने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसे, यानी कि मुझे मेरी जननी, जन्म देने वाली माँ और मेरी जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय है, इसलिए हे लक्ष्मण मैं इसका भोग नहीं करूँगा और मुझे मेरी अयोध्या नगरी ही प्यारी है। अगर इसी समानता को हम देखें तो महाराणा प्रताप जी के प्रसंग में भी यही चीज़ आती है। जब अकबर ने चौथी संधि भेजी थी उनके पास टोडरमल के द्वारा, तो टोडरमल ने उनसे ये पूछा था कि महाराणा आप अकबर का पराधीनता स्वीकार कर लें तो ज़्यादा अनुभव अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो महाराणा ने कहा था टोडरमल जी से कि टोडरमल जी यही श्लोक बोलते हुए कहा था कि जननी जन्मभूमि चा स्वर्ग तभी करिए से, कि टोडरमल जी मुझे मेरी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय है, इसलिए मैं अपने प्राण तो निछावा कर सकता हूँ लेकिन अपनी जन्मभूमि का त्याग नहीं कर सकता। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।